दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने प्लैनेट मार्स के बारे में डिटेल से बताया था। उस वीडियो के अंदर मैंने ये भी बताया था कि एलोन मस्क मार्स पर कॉलोनी बनाने का सोच रहे हैं, जिसमें पूरे 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग रह पाएंगे, और वो भी अर्थ की मदद के बगैर। तो खैर, मेरे उस वीडियो पर लोगों का रिस्पॉन्स काफी अच्छा आया और मेरे एक सब्सक्राइबर ने बहुत ज्यादा डिमांड की कि उसको ये जानना है कि आखिर मार्स पर क्या चल रहा है। खैर, टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग था तो मैंने भी इस पर रिसर्च स्टार्ट की, और फिर काफी ज्यादा स्टडी करने के बाद आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मार्स पर आखिर क्या चल रहा है, जैसे कि एलोन मस्क लोगों को मार्स पर कैसे भेजेंगे, और हमारा नया घर यानी मार्स आखिर कैसा होगा, क्या हम कभी मार्स को भी अर्थ के जैसा बना पाएंगे, या फिर हमें वहाँ हमेशा घुट घुट के रहना पड़ेगा। तो यही सब हम आज के इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, और हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए इसको एंड तक देखते रहना। मैं हूँ अब्दुल हन्नान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इन्फो फैमिली। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर हमें मार्स पर जाना ही क्यों है, जबकि अर्थ पर हम बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं। हमारी अर्थ हमें इतना अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है जो कि हमारी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन वहीं पर मार्स का एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर वहां पर हमने अपना स्पेस सूट उतार दिया तो वहां की खतरनाक रेडिएशन से हमारी जान चली जाएगी। तो आखिर हम इतनी अच्छी जगह को छोड़कर इतनी खतरनाक जगह पर क्यों जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? तो दोस्तों, इसका जवाब है कि अगर हमने अर्थ की कदर की होती तो शायद कभी हमें अर्थ को छोड़ना ही ना पड़ता। दोस्तों, जब से हमने फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोल और नेचुरल गैस वगैरह का इस्तेमाल शुरू करा है, तब से हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, यानी आने वाले सालों में गर्मी इतनी शिद्दत की पड़ेगी कि वो इंसानों से बर्दाश्त भी नहीं होगी, और फिर ऐसे में हमें अर्थ को छोड़ना पड़ जाएगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि हम एसी का इस्तेमाल ज्यादा कर लेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि एसी आपके रूम को तो ठंडा कर देगा, लेकिन वो बाहर के एनवायरनमेंट को और भी ज्यादा गर्म करेगा। दोस्तों, एसी बहुत ही ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, जो पावर अक्सर फॉसिल फ्यूल्स के जलने से ही आती है, और जितना ज्यादा फॉसिल फ्यूल जलेगा उतना ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को और भी ज्यादा गर्म करेगा, यानी कि हम जाकर भी उस गर्मी को नहीं रोक पाएंगे, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा जो कि अर्थ को छोड़ने की वजह बनेगा। और ऐसे ही दोस्तों, एलोन मस्क ने भी अर्थ को छोड़ने की बहुत सारी वजह बताई। दोस्तों, एलोन मस्क का ये कहना है कि हमारी दुनिया किसी भी वक्त तबाह हो सकती है, जैसे कि डायनासोर्स के टाइम पर भी एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड जमीन से टकराया था जिसकी वजह से सारे डायनासोर्स मर गए थे, और अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हुई तो भी दुनिया तबाह हो जाएगी। दोस्तों, एलोन मस्क ने बोला कि वो इंसानों को एक मल्टी प्लेनेटरी स्पीशी बनाना चाहते हैं, यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि अलग अलग प्लैनेट्स पर रहना सीख जाएं, क्योंकि अर्थ का कोई भरोसा नहीं। एलोन मस्क कहते हैं कि पहले वो लोगों को मार्स पर ले जाएंगे और उसके बाद वो चांद पर भी लोगों को भेजेंगे, यानी कि लोग मार्स पर भी रहेंगे और चांद पर भी रहेंगे। और ये सब कैसे पॉसिबल होगा, मैं हूं ना बताने के लिए। दोस्तों, ये सब पॉसिबल होगा दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट SpaceX स्टारशिप की वजह से। जी हाँ दोस्तों, वही रॉकेट जिसको एलोन मस्क ने डिजाइन किया था। स्टारशिप इस दुनिया का अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट है, और ये सिर्फ स्पेस में जाता ही नहीं बल्कि स्पेस से वापस आकर अर्थ पर लैंड भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों सभी स्पेस कंपनीज ने आज तक जितने भी रॉकेट्स बनाए थे वो ऐसे रॉकेट्स थे जो कि अर्थ से स्पेस में जाते तो जरूर थे, लेकिन फिर वो स्पेस में ही रह जाते थे और अर्थ पर दोबारा से लैंड नहीं हो पाते थे। अब ये चीज आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है। आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि अगर वो रॉकेट स्पेस में ही रह जाते थे तो फिर एस्ट्रोनॉट्स अर्थ पर कैसे वापस आते होंगे। दोस्तों, मैं थोड़ा डिटेल से समझा देता हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। दोस्तों, एस्ट्रोनॉट्स रॉकेट के अंदर नहीं बल्कि स्पेसक्राफ्ट के अंदर होते हैं, जो कि रॉकेट से अटैच होता है। एक रॉकेट का काम होता है एक स्पेसक्राफ्ट को स्पेस तक ले जाना, लेकिन जैसे ही वो रॉकेट स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में ले जाता है तो वो स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है और स्पेस में ही रह जाता है, यानी इतना महंगा रॉकेट जाया हो जाता है। उसके बाद फिर एस्ट्रोनॉट्स उसी स्पेसक्राफ्ट में ही स्पेस में घूमते हैं और उसी से वो अर्थ पर वापस आते हैं। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि एलोन मस्क ने ऐसे रॉकेट बना लिए हैं जो कि एक स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में छोड़ने के बाद अर्थ पे दोबारा से आके लैंड हो जाएंगे, जिससे बहुत ज्यादा खर्चा बच जाएगा और लोगों को मार्स पर पहुंचाने की कॉस्ट भी काफी कम लगेगी। दोस्तों, एलोन मस्क की ये डिस्कवरी दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी है, और यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस कंपनी अब नासा नहीं बल्कि SpaceX है। नासा भी अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अब SpaceX के पास ला रहा है, और SpaceX के सूट्स भी नासा के सूट्स से काफी ज्यादा बेटर हैं,
जो कि एस्ट्रोनॉट्स को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो स्टारशिप है वो भी किसी फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल और ऑयल वगैरह पर नहीं चलेगा। दोस्तों, स्टारशिप लिक्विड मेथेन पर चलेगा और मार्स पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा है, जो कि मेथेन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि एलोन मस्क ने स्टारशिप को हर तरीके से मार्स पर जाने के लिए बेस्ट बनाया है। यही वजह है कि स्टारशिप पर फ्यूल का खर्चा भी नहीं होगा, जो कि और भी ज़्यादा अच्छी बात है। अब दोस्तों, आपके माइंड में बहुत सारे सवाल घूम रहे होंगे, जैसे मार्स पर सबसे पहले कौन जाएगा, वहाँ पूरे 1 मिलियन लोगों के लिए इतनी बड़ी कॉलोनी बनाना आखिर कैसे पॉसिबल होगा, और मार्स पर जिंदा रहने के लिए हम लोग क्या खाएंगे और क्या पियेंगे वगैरह वगैरह। तो बस फिक्र मत करो, चलो अब मैं आपके इन सभी डाउट्स को क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, जब एलोन मस्क से पूछा गया कि मार्स पर सबसे पहले कौन जाएगा, तो एलोन मस्क ने बताया कि मैं नहीं जानता, हो सकता है वहाँ शायद पायोनियर्स जाएं। दोस्तों, पायोनियर्स ऐसे लोगों को बोलते हैं जो कि किसी नई जगह पर जाकर वहाँ डिस्कवरीज करते हैं। एलोन मस्क ने बोला कि मार्स पर जो भी लोग जाएंगे उनके लिए वहाँ रहना बहुत ही मुश्किल होगा, वो वहाँ मर भी सकते हैं और उनके लिए वो सब बहुत ही खतरनाक और दर्द भरा होगा। यानी कि मार्स पर सबसे पहले जो भी लोग जाएंगे वो अपनी जान को हथेली पर रख कर जाएंगे। और दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मार्स पर हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े मिट्टी के तूफान आते हैं, जो कि पूरे मार्स को अपनी लपेट में ले लेते हैं। वो तूफान कई कई हफ्तों तक रहते हैं, जिनकी वजह से पूरे मार्स पर अंधेरा हो जाता है। अब सवाल ये है कि उन तूफानों से बचने के लिए वो लोग आखिर मार्स पर कहाँ रहेंगे। ऐसे में उनके लिए एक शेल्टर का होना जरूरी है, जहाँ वो तूफान आने पर छुप सकें। लेकिन वो शेल्टर आखिर कौन बनाएगा, क्योंकि मार्स पर जाकर अगर लोगों ने वो शेल्टर्स बनाए तो उनमें काफी टाइम लग जाएगा, और इसकी कोई गारंटी नहीं कि उन शेल्टर्स के बनने तक वो लोग बच भी पाएंगे या नहीं। तो इसीलिए उन शेल्टर्स को इंसानों के मार्स पर जाने से पहले ही बनाना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो शेल्टर्स बनाएगा कौन। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो शेल्टर्स रोबोट्स बनाएंगे, और वो कोई आम रोबोट्स नहीं होंगे, बल्कि वो 3D प्रिंटिंग रोबोट्स होंगे। नासा और SpaceX कुछ AI रोबोट्स की कंपनियों से उन रोबोट्स को खरीदेंगे और फिर वो उनको मार्स पर भेजेंगे। वो एक खास किस्म के रोबोट्स होंगे, जो कि इंसानों से पहले ही मार्स पर शेल्टर्स बनाएंगे। उन रोबोट्स को अर्थ पर बैठकर कंट्रोल किया जाएगा, और उनके वो शेल्टर्स बनाने का तरीका भी बहुत ज्यादा यूनिक होगा। वो रोबोट्स मार्स की मिट्टी को कलेक्ट करेंगे और फिर उससे 3D प्रिंट्स बनाएंगे। ऐसे ही वो कई महीनों तक काम करेंगे, और फिर देखते ही देखते वो मार्स पर इंसानों के लिए शेल्टर्स बना देंगे। उन शेल्टर्स को डोम्स कहा जाएगा, और उन डोम्स का काम होगा इंसानों को मार्स की खतरनाक रेडिएशंस और मिट्टी के तूफानों से बचाए रखना। उन डोम्स के अंदर रहने के लिए इंसान वहाँ इन प्रेशर यूनिट्स का इस्तेमाल करेंगे, जो कि इंसानों को ऑक्सीजन और अर्थ के जैसा प्रेशर प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा वो रोबोट्स मार्स पर 3D बिल्डिंग्स भी बनाएंगे, जिनको डर्ट एग्स यानी गंदे अंडे भी बोला जाता है। अब उन बिल्डिंग्स का इतना अजीब नाम क्यों है? वो इसलिए दोस्तों कि उन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए वो रोबोट्स डर्ट यानी गंदगी का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि बेसाल्ट और बायोप्लास्टिक वगैरह। बेसाल्ट का मतलब होता है वो लावा जो कि ठंडा होने के बाद पत्थर बन गया हो, और बायोप्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक को बोलते हैं जो कि प्लांट्स के कचरे से बनती है, जैसे कि गन्ने का छिलका, कॉर्न का छिलका, और इसके साथ और भी प्लांट्स की जो गंदगी होती है उनसे बनने वाली प्लास्टिक को बायोप्लास्टिक कहते हैं। तो डर्ट एग्स बनाने के लिए बेसाल्ट और बायोप्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाएगा, और मार्स पर एक अंडे जैसी दिखने वाली बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। साइंटिस्ट का ये मानना है कि डर्ट एग्स मार्स के एनवायरनमेंट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे, और फिर मार्स पर कॉलोनी बनाने के लिए इंसान उन डोम्स और डर्ट एग्स में रह सकेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इतने लंबे टाइम तक आखिर इंसान वहाँ क्या खाएंगे और क्या पियेंगे। दोस्तों, इंसान वैसे तो स्टारशिप के अंदर बहुत सारा खाना पहले से ही लेकर जाएंगे, जो कि काफी लंबे टाइम तक चल जाएगा, लेकिन मार्स की जमीन पर इंसान सब्जियां भी उगाएंगे। वैसे तो मार्स की मिट्टी के अंदर अर्थ के जैसे सब कुछ तो नहीं उगाया जा सकता, लेकिन फिर भी इंसान वहाँ कुछ सब्जियां उगा लेंगे, जैसे कि आलू, मूली, बीन्स, सलाद पत्ता, और चांसेस हैं कि वहाँ गंदुम यानी वीट भी उगाई जा सकती है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि वो सब हम मार्स की खुली जमीन पर नहीं उगा सकते, क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ही पतला है, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से 100 गुना ज्यादा कम है। और यही वजह है कि मार्स पर हमें प्लांट्स उगाने के लिए स्पेशल ग्रीन हाउसेस बनाने पड़ेंगे,
जो कि प्लांट्स को अर्थ के जैसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेंगे। और ये सब करने के लिए हमें काफी ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके लेंगे। इनफैक्ट जब मार्स पर कॉलोनी बनेगी तो वो भी सोलर एनर्जी पर ही काम करेगी। मार्स पर हजारों सोलर प्लेट्स लगाई जाएंगी जो कि सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करेंगी। लेकिन ये सब इतना भी इजी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों मार्स अर्थ से 22.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, जिसकी वजह से मार्स पर सूरज की रोशनी भी अर्थ से 60% कम पहुंचती है। यानी कि सूरज की रोशनी मार्स पर सिर्फ 40% है, जो कि बहुत ही कम है। यानी कि मार्स पर पावर जनरेट करना भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दोस्तों पहले तो मार्स पर कुछ एस्ट्रोनॉट्स और कुछ साइंटिस्ट की टीम जाएगी, जो कि मार्स को अच्छे से स्टडी करेंगे। ये टीम शायद 2029 तक मार्स पर चली जाएगी, लेकिन एलोन मस्क का ये कहना है कि 2050 तक वो मार्स पर पूरा एक शहर बना लेंगे और हजारों स्टारशिप्स बनाकर मार्स पर भेजेंगे। दोस्तों हम मार्स पर चले तो जाएंगे, लेकिन क्या हम मार्स को कभी अर्थ के जैसा बना भी पाएंगे या नहीं? इसका जवाब है कि शायद हाँ, क्योंकि साइंटिस्ट का ये मानना है कि मार्स पहले भी अर्थ के जैसा था। अगर हम मार्स के टेम्परेचर को गर्म कर दें तो मार्स पर भी शायद अर्थ के जैसा एटमॉस्फेयर आ जाएगा। साइंटिस्ट का ये मानना है कि मार्स पर ऐसी फैक्ट्रीज लगाई जाए जो कि दिन रात बस धुआं निकालें, क्योंकि ऐसा करने से मार्स गर्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वहीं पर एलोन मस्क का ये कहना है कि मार्स पर न्यूक्लियर मिसाइल्स छोड़ी जाएं ताकि मार्स जल्दी से गर्म हो सके। अब एलोन मस्क का ये आइडिया सुनने में तो अच्छा लगता ही है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि अगर मार्स पर मिसाइल छोड़ी जाएंगी तो ऐसा करने से मार्स और भी ठंडा हो जाएगा और वहाँ शिद्दत की सर्दी पड़ जाएगी। अब आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, भला इतने गर्म मिसाइल से सर्दी कैसे हो जाएगी? तो दोस्तों साइंटिस्ट का ये मानना है कि मार्स पर बहुत ज्यादा मिट्टी है, अगर हम मार्स पर मिसाइल छोड़ेंगे तो वो मिट्टी और भी ज्यादा फैल जाएगी और पूरे मार्स को लपेट लेगी, जिससे सूरज की रोशनी बिल्कुल रुक जाएगी और मार्स और भी ज्यादा ठंडा हो जाएगा, जो कि शायद बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं होगा। और दोस्तों मार्स पर जो लोग रहेंगे वो काफी कमजोर होंगे, क्योंकि मार्स की जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी का सिर्फ 38% है। यानी कि एक 100 किलो के बंदे का वजन मार्स पर सिर्फ 38 किलो होगा। और इसी तरह मार्स पर जो बच्चे पैदा होंगे वो मार्स की कम ग्रेविटी के आदि होंगे। यानी अगर वो मार्स से अर्थ पर आएंगे तो अर्थ की ज्यादा ग्रेविटी शायद उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। और दोस्तों वहीं पर एलोन मस्क तो इंसानों को चांद पर भी बसाने का सोच रहे हैं, तो यकीनन चांद पर रहने वाले लोग मार्स पर रहने वाले लोगों से भी काफी ज्यादा कमजोर होंगे, क्योंकि चांद की ग्रेविटी मार्स से भी काफी ज्यादा कम है। और पता नहीं ये सब हमारे लिए अच्छा भी होगा या नहीं। आप सब इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि रिसर्च और एडिटिंग करने में बहुत ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है, तो लाइक करना ना भूलना। और दोस्तों अगर आपने प्लैनेट मार्स के बारे में सब कुछ जानना है तो स्क्रीन पर आपको पार्ट 1 दिखाई दे रहा होगा, तो जल्दी से इस पर क्लिक कर लो। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।